तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा सेवन सीजर्स, एक एनिमेटेड सीरीज है, चाइनीज एनिमेटेड सीरीज है, इसके बारे में। टोटल इसके अंदर 3 सीजन आए हुए हैं और हर सीजन में लगभग 10 एपिसोड हैं। फर्स्ट सीजन में तो 10 एपिसोड हैं और इसके बाद 3 ओवी हैं। अभी तक मैंने इसका फर्स्ट सीजन ही देखा, यानी 10 एपिसोड ही देखे हैं, 3 ओवी भी मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। यानी इसके फर्स्ट सीजन के बारे में ही बात करूंगा, तो अब इसकी कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक सेवन नाम का करेक्टर है जिसकी याददाश्त जा चुकी होती है, वो एक चिकन के साथ रह रहा होता है। चिकन इसको प्रोफेशनल किलर बनाना चाहता है क्योंकि इसको पता चलता है कि यार इसको सीजर बड़ी अच्छे से चलानी आती है, यानी कैंची बड़ी अच्छे से चलानी आती है, हेयर स्टाइलिस्ट भी होता है ये साथ ही साथ। चिकन इसे प्रोफेशनल किलर इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि यार इस पापी दुनिया में पेट भरने के लिए यार मतलब पैसे कमाने भी जरूरी है, जैसा वो कहता हुआ इसमें नजर आता है। इन 10 एपिसोड में सेवन नाम का जो करेक्टर है इसका थोड़ा बहुत हमें पास देखने को मिलता है, मतलब छोटी मोटी झलक देखने को मिल जाती है, वो भी लास्ट के एपिसोड में, 9th और जो 10th एपिसोड आते हैं उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती है। बाकी के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो करेक्टर है वो दूसरों से सुपारी तो ले लेता है किसी को मारने के लिए, लेकिन भाई साहब मार ही नहीं पाता, कुछ और ही काम करके आ जाता है। खैर वो क्या करके आता है जब आप ये एपिसोड देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, मतलब फुल ऑन कॉमेडी चलती है। ये जो सेवन नाम का करैक्टर है इसके पास 2 चीजें हैं, एक जो वो स्टोन है जिससे भाई सब ये कुछ भी बन जाता है, और कुछ भी बनने का मतलब है ये कोई हाईफाई चीज नहीं बनेगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें बनेगा जिसको देखकर हंसी आ जाती है। यार मतलब बंदा बन क्या रहा है, पत्थर बन रहा है, मतलब कागज की प्लेन बन रहा है ये, वो तो देखकर हंसी आ जाती है वहां पर जो ये चीजें करता है। दूसरी, इसके पास एक छोटा सा चिकन है जो इसको उड़ाता है, मतलब उड़ाने का मतलब है जिसको एक छोटी सी हवाई जहाज समझो, छोटा सा चिकन मतलब एक बॉल जितना, एक ग्लोब जितना होता है ना, वो एक छोटी सी ग्लोब उतने आकार का एक इसके पास चिकन जो इसकी पैंट पकड़ के इसको उड़ाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से पकड़ के इसने उड़ा दिया, मतलब उल्टा ही पकड़ के उड़ा रहा है, वो भी काफी फनी है। और जिस तरीके से इसमें एनिमेशन की गई है भाई साहब, जो मतलब एक पल में चीजें चेंजेस हो रही है, कभी इमोशनल में, कभी सीरियस में, कभी फनी के अंदर, जो ये चीज मुझे देखने को मिली काफी ज्यादा मैंने इसको एंजॉय किया, जो अच्छा लगता है यार। पर इस सीरीज में फन के अलावा आप लोगों को 2 एपिसोड जिसमें एक तरीके से इमोशनल भी देखने को मिलेगा, मतलब इमोशन टच भी दिया गया है। एक बेटा अपनी माँ को मरवाना चाहता ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर ले, दूसरा एपिसोड वो तो देखो यार जब आप देखोगे तभी पता चलेगा, दोनों चीजें मैं तो नहीं बता सकता ना। और डायलॉग भी जो इसके अंदर यूज किए गए वो भी काफी जबरदस्त है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो सेवन एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर ये कहता है भाई मुझे नहीं बनना यार क्लियर, मुझे बस घर जाने दो, मुझे बस घर जाने, और ये जिस सिचुएशन में बोलता है, सच में कहूं यार आप लोग पेट पकड़ के हंस रहे होगे जैसी उसकी हालत हो रही होगी, जैसे इसको मार पड़ रही होगी वहां पर। और ये सेवन कहां से आया है, क्या इसकी स्टोरी है, देखो ये अभी तक फर्स्ट सीजन में तो क्लियर नहीं हुआ, छोटी मोटी झलक देखने को मिल जाती है लेकिन सारी चीजें इसमें नहीं बताई जाती, मे बी इसके सेकंड एपिसोड या मतलब सेकंड सीजन के अंदर हमें बता दे। देखो सेवन नाम का करेक्टर तो काफी अच्छा है क्योंकि फनी बहुत ज्यादा है, इसकी उटपटांग हरकतें हमें इन 10 एपिसोड में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी करेक्टर हैं जैसे कि जो छोटी चिकन नाम से मैंने बताया था कि इसको उड़ाती है, उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी काफी जबरदस्त है, जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर दिखाया गया। एक 13 नाम की भी करेक्टर है लेकिन उसके बारे में ज्यादा इसके अंदर नहीं है, वो बाद में आएगा। और जो इसके साथ चिकन रहता है जो इसको गाइड करता है भाई मारना कैसे है, अगर तू नहीं मारेगा तो पैसे नहीं कमाएंगे, वो भी काफी मस्त है। और इसके अंदर जैसे लास्ट में जो सोच दिखाई जाती है कि कुछ लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर सब कुर्बान कर दो, कुछ लोग मार्शल आर्ट को प्रेफर करते हैं, कहते हैं इसी से दुनिया हम बचाएंगे, तो इन दोनों की सोच में जब लड़ाई दिखाई जाती है और इसके बीच में मर कौन रहा है, आम इंसान। ओवरऑल सीरीज की अगर बात करूं तो देखो काफी ज्यादा अच्छी एनिमेशन है, बढ़िया स्टोरी है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखेगी, कि मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आप कहीं पर भी बोर नहीं होगे। एनिमेशन जैसे मैंने कहा बहुत बढ़िया की गई है, फन है, थोड़ा बहुत इमोशन इसके अंदर देखने को मिलता है। पर एक और बात, इसके अंदर जो इसमें एपिसोड है 10 एपिसोड है वो 14 मिनट के, कोई 15 मिनट का, कोई 16 मिनट का, ओवरऑल 19 मिनट में खत्म हो जाते हैं। और इसका आउट्रो और इंट्रो अगर आप हटा दो तो मैं ये कहूंगा 12-13 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, अगर कोई 15 मिनट का एपिसोड है तो। बच्चों के लिए ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर वॉयलेंस है, गालियां इसके अंदर यूज की गई हैं, तो भाई साहब बच्चे इससे दूर रहें। दूसरी बात, ये आपको देखने को कहां मिलेगी, आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, क्या ये इंग्लिश में मिलेगी या हिंदी में मिलेगी या फिर कौन सी लैंग्वेज, देखो हिंदी तो यार भूल जाओ यार, हिंदी बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए, तो बिल्कुल भी हिंदी नहीं होती। हां ये इंग्लिश डब में है, चाइनीज में अगर आपको आती है तो चाइनीज में देख लेना। मेरी तरफ से इस एनिमेटेड सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है सीजर 7 तो आप बताना कि आप लोगों को कैसे लगी, अगर आपने सारे सीजन इसके देख रखे हैं तो वो भी बता सकते हैं, स्पॉइलर लिख सकते हो यार, लिखते हैं ना यार, फर्क क्या पड़ता है, मुझे तो वैसे भी देखनी है। और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं एक बार रिकमेंडेड उनको जरूर करूंगा, जाकर इसको देखें। हाँ फर्स्ट एपिसोड थोड़ा बहुत अजीब सा लग सकता है लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। और देखो ज्यादा देर की भी नहीं है, 15-15 मिनट का हर एक एपिसोड अगर आप लगाओ तो ज्यादा टाइम भी नहीं बनता, 150 मिनट ही बनते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।